ऑटोमोबाइल के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। गाड़ियों के डैशबोर्ड पे 52 लाइट्स होते हैं। आज हम कुछ 10 लाइटों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये लाइट कितना खास है ये मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले जो लाइट है इसे बोलते हैं चेक इंजन लाइट। यह इंजन के अंदर होने वाली टेक्निकल प्रॉब्लम को दर्शाता है। इसके बाद जो लाइट आता है इसे बोलते हैं इंजन टेम्परेचर वार्निंग लाइट। यह लाइट इंजन में कूलेंट की टेम्परेचर हाई होने पर दिखता है। और इसके बाद आता है ऑयल प्रेशर लाइट। इंजन में ऑयल की लीकेज होने पर यह लाइट जलती है। यह लाइट वैसे भी बहुत ही खास है। इसके बाद आता है टायर प्रेशर वार्निंग लाइट। आजकल नई गाड़ियों में ये लाइट काफ़ी फेमस है। यह गाड़ियों में टायरों में होने वाली एयर कम या ज़्यादा होने पर यह लाइट जलती है। इसके बाद यह लाइट के बारे में आप सब जानते ही हो, एंटी ब्रेक सिस्टम लाइट। यह लाइट ब्रेक सिस्टम में होने वाली प्रॉब्लम को दर्शाता है। इसके बाद जो लाइट है इसे बोलते हैं हैंड ब्रेक लाइट। आप सबको पता ही है हैंड ब्रेक क्या होता है। हैंड ब्रेक में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होने पर यह लाइट ऑटोमेटिक जल जाता है। ये लाइट ऐसे भी बहुत खास है। इसके बाद आता है स्टीयरिंग एयर बैग लाइट। आपके स्टीयरिंग पे आपने देखा होगा एयर बैग लगा है। उस एयर बैग में कोई दिक्कत होने पर यह लाइट गाड़ियों के मीटर में ऑटोमेटिक जल जाता है और आपको सूचित करता है आपके एयर बैग में कोई प्रॉब्लम है। इसके बाद आता है सीट बेल्ट लाइट। आप सब ऐसे जानते ही होंगे सीट बेल्ट लाइट क्यों आता है। ड्राइव करते वक्त अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया हो तो ये लाइट जल जाता है। ड्राइविंग करने वक्त सीट बेल्ट लगाना चाहिए, इसलिए ये लाइट का उपयोग किया गया है। इसके बाद आता है बैटरी वार्निंग लाइट। ये लाइट बैटरी में होने वाली प्रॉब्लम को दर्शाता है। आपकी बैटरी ख़राब हो जाए या कोई भी प्रॉब्लम हो, टर्मिनल लूज हो, तो ये लाइट ऑटोमेटिक जल जाता है। ये लाइट वैसे भी बहुत ही खास है। इसके बाद आता है फ्यूल इंडक्टर लाइट। ये लाइट इसलिए जलता है अगर आपकी गाड़ी में फ्यूल कम हो या ख़त्म होने के कगार पे आए तो ये लाइट ऑटोमेटिक जल जाता है।